thank you हेलो आवाज़ आ रही है क्या यस सो ओके

आई थिंक ये किया था ना पॉलिबेसिक एसिड का हुआ था ना यस एच ऑफ बीसिकस सो नेक्स्ट वील टेक सोल्ट हाइड्रोलिस उट नेक्स्ट क्लास नो प्रॉब्लम तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है इसमें देखो क्या है हमारे पास जो सॉल्ट है वो वॉटर से अगर रिएक्शन कर लेता है देन इस फिनोमिला को हम बोलते हैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस ठीक है सोल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन जो है इट इज सोल्ट हाइड्रोलिस तो सोल्ट वॉटर से रिएक्शन क्यों करेगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का रिलेशन बताया था yes, KW. KW. उसके बाद हमने एक नोट लिखवाया था कि कॉन्जुगेट

काम करता है तो हमारे पास जो सॉल्ट है उसके आयंस वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं और सॉल्ट के आयंस वाटर से रिएक्शन क्यों करेंगे क्योंकि वो स्ट्रांग होंगे ठीक है तो जो स्ट्रांग आयंस ऑफ सॉल्ट है वो वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं तो उसकी और उसकी वजह से सॉल्यूशन को एसिडिक और बेसिक कर देते हैं सो so ये जो फिनोमिना है इसी को हम बोलते हैं ओके जनरली ऐसा होता है कि जो कैटायन है उसका जब हाइड्रोलिसिस होता है हम बोल सकते हैं जब कैटाइन वाटर से रिएक्ट करता है तो एसिडिक सॉल्यूशन आता है और जब एनाइन वाटर से रिएक्ट करता है तो फिर बेसिक सॉल्यूशन आता है ओके okay? तो इफ आय ऑफ सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग Then they can react with water to form acidic or basic solution. ये जो फोमिना है इसी को हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं ठीक है ये जो फिनोमिना इसी को क्या बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं और जैसे हमने बताया स्ट्रॉन्ग सॉरी ये जो हमारे पास कैटाइन है उस कैटाइन के हाइड्रोलिसिस की वजह से तो ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटाइन एसिडिक सॉल्यूशन आएगा एंड ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनाइन बेसिक सॉल्यूशन आएगा तो ड्यू टू हाइड्रोलिसिस Of cation, acidic solution is formed and due to hydrolysis.

सिर्फ जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि यार सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस क्या होंगे स्ट्रॉन्ग आये स्ट्रॉन्ग ओके so what if you have a weak acid but strong base what will the salt ions be then yes क्या बोल रहे हैं sir so what if you have a weak acid but strong base what will the salt ions be there uh, okay wait थोड़ा सा wait करो uh, example से तुमे और clear हो जाएगा ना थोड़ा सा wait करो done sir ठीक है शाक्षी अंसुल हो गया लिख के Yes, sir. Okay, so, uh, हमारे पास यहां पर अभी हम मेनली चार टाइप के सॉल्ट की बात करते हैं बिकॉज वी हैव वीक एसिड वीक बेस स्ट्रांग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ओके सो मेनली हम फोर टाइप के सॉल्ट की बात करेंगे एंड वन बाई वन सोल्ट लेंगे तो फर्स्ट टाइप का जो हम सोल्ट लेंगे वो है स्ट्रॉ एसिड एंड स्ट्रॉग बेस वाला सोल्ट ओके फर्स्ट टाइप का सॉल्ट है स्ट्रॉग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट तो हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस वाले जो सॉल्ट हैं उनके हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल ले तो एनएसीएल हो गया जैसे सिमिलरली के सी एल सिमिलरली बी एसीएल टू ठीक है तो इस टाइप के सॉल्ट की बात करेंगे तो अभी देखो इस टाइप का सॉल्ट बनते कैसे हैं ऑब्वियसली जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होंगे तो इस टाइप के सॉल्ट बन जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस न्यूट्रलाइज हुए एंड उन्होंने इस टाइप का सॉल्ट बनाया ठीक है जैसा एग्जाम्पल हम देते हैं फर्स्ट वाला सॉल्ट लेते हैं तो एच सी एल एंड एन ए ओ एच दे दिए एन ए सी एल एंड एच टू ओके अब देखो हमें क्वेश्चन दो तरह से यहां पर पूछा जा सकता है एक तो इस टाइप से कि जो एच सी एल और एनएच है उन दोनों का अमाउंट हमें दिया हुआ है ठीक है मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है वीक एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड एच सी एल दिया है एंड स्ट्रॉन्ग बेस एन एस दिया है ठीक है तो हमें एक तो क्वेश्चन से दिया जा सकता है कि एच सी एल और एनएच का मिक्सचर दिया है और दोनों जो है हमें सोल्यूशन में इस टाइप से दिया है या इतने अमाउंट में दिया है कि दोनों कंप्लीटली क्या हो रहे हैं रिएक्ट हो रहे हैं ठीक है मतलब दोनों में से कोई भी लिमिटिंग नहीं है और कोई भी एक्सेस नहीं है कि हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा तो एक तरह से तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि तुम्हें एसिड और बेस दिया जाए और टाइप से दिया जाए कि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं मीन सॉल्यूशन में क्या रहे सॉल्ट एंड वाटर रहे और दूसरा तुम्हें इस टाइप से दिया जा सकता है कि तुम्हें सॉल्ट का ही ट्रेशन दे दिया कुछ जैसे बोल दिया कि यार पॉइंट वन है बताओ पीएच क्या होगा ओके तो इस टाइप से दो तरह से तुम्हें क्वेश्चन यहां पर दिया जा सकता है या तो एसिड और बेस इस टाइप से दिया है कि एसिड और बेस दोनों खत्म हो गए जस्ट तुम्हारे पास क्या बचा सॉल्ट एंड वाटर और दूसरी तरह क्या दिया जा सकता है कि तुम्हें सॉल्ट और वाटर ही दिया है हम बोल सकते हैं सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया है तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास जैसे इस टाइप का सॉल्ट आया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जैसे एन है तो इसके जो आयन है वो कौन कौन से है यार एक तो है एन ए पॉजिटिव आयन और दूसरा कौन सा है Cl नेगेटिव आयन है ना तो एन ए पॉजिटिव कैसा आयन है स्ट्रॉन्ग आयन है या वीक आयन, so एन वीक आयन, या। आयन है एन ए पॉजिटिव किसका आयन है Na पॉजिटिव है NaOH का है ना एन ए पॉजिटिव किसका NaOH क्या था स्ट्रॉन्ग था? था तो जैसा हमने पहले बताया है कि यार स्ट्रॉन्ग का जो आयन है वो वीक रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयन है उनको हम क्या बोलेंगे वीक आयन बोलेंगे एंड वीक एसिड एंड वीक बेस के जो आयन है उनको हम स्ट्रॉन्ग आयन बोलेंगे ठीक है सो एन ए पॉजिटिव किसका आयन है एन ए ओ का एन ए ओ क्या था स्ट्रॉन्ग बेस था ना यस सो वीक यस सो एन ए पॉजिटिव विल बी वीक ठीक है एन पॉजिटिव वीक आयन है सिमिलरली सीएल नेगेटिव किसका आयन है यार एचसीएल का है? So CL strong acid, क्या हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि देन वो वॉटर से रिएक्ट करेंगे यही बताया था बट yes, यहाँ पर तो वीक आयन है तो ऑब्वियसली वॉटर से रिएक्शन नहीं होगी है ना तो वीक आयन है तो वॉटर से रिएक्ट नहीं कर सकते cannot रिएक्ट विद water ठीक है तो यहां पर वाटर से रिएक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली uh, वाटर से रिएक्शन नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोलिसिस नहीं होगा ऐसे केस में हाइड्रोलिसिस so, नहीं होगा तो ऑब्वियसली सोल्यूशन का पीएच फिर क्या होगा मतलब ना तो सोल्यूशन एसिडिक आया ना बेसिक आया तो so, पीएच क्या होगा Seven होगा, ओके? Okay? बोल सकते न्यूट्रल सोल्यूशन होगा ओके तो इस टाइप का जो सोल्यूशन है वो क्या रहेगा

तो एक्चुअली देखो क्या है सोल्ट हाइड्रोलिसिस जो है वो हमने क्या बताया उसमें जो हमारे पास आयंस हैं वो वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं तो फिर सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक हो जाता है तो एक्चुअल में क्या होता है ये जो रिएक्शन है ना ये न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन है यही रिवर्स हो जाती ठीक है अगर यहां पर हाइड्रोलिसिस हो रहा होता सो तो NaCl तो और H2O मिलके HCl और NaOH बना देते वापस ठीक है तो The reverse reaction of uh, neutralization is hydrolysis. Okay, the neutralization reaction hai uska jo reverse reaction hai wo hydrolysis hai matlab मतलब salt plus water gives acid plus base. That is hydrolysis reaction. लेकिन जैसा हमने बताया कि इस type के salt का hydrolysis नहीं होता, that's why reverse reaction नहीं होगी। और इसीलिए हमने देखो single arrow डाला है, हमने double arrow डाला ही नहीं है। क्योंकि ये neutralisation reaction जो है, ये irreversible है। Okay? लेकिन फिर आगे चलते सर सर ओके सो ये फर्स्ट टाइप का हमारे पास सॉल्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रांग बेस वाला सॉल्ट नेक्स्ट हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट ओके सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस के जो सॉल्ट हैं की बात करते हैं अभी एग्जाम्पल जैसे एनएच फोर सी एल एनएच फोर होल्ड ट्वाइस एसओ फोर एनएच फोर एनओ थ्री एटसेक्ट्रा तो ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट है ठीक है तो आ, बनते कैसे हैं तो ऑब्वियसली जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस न्यूट्रलाइज करेंगे इस टाइप के सॉल्ट बनेंगे और यहां पर हाइड्रोलिसिस होगा दैट वाई हम रिवर्सिबल का साइन डाल रहे हैं ठीक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस विल गिव सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉग एसिड वीक बेस प्लस एच टू फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोंग एसिड हो गया एच सी एल एंड वीक बेस हो गया एन एच फोर ओ एच ठीक है फर्स्ट टाइप का सॉल्ट ले लेते हैं तो हमें मिलेगा यहां पर एनएच फोर सी एल एंड साथ में आएगा एच टू ठीक है अब देखो NH4Cl जो है इसमें कौन कौन से आयन है एक है एनएच पॉजिटिव आयन एंड दूसरा कौन सा है नेगेटिव आयन ठीक है स्ट्रॉन्ग आयन क्यों बिकॉज ये एनएच फोर ओ एच से आ रहा है एनएच फोर ओ एच जो है वो वीक बेस है तो उसका जो आयन है वो क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा ठीक है सो so, ये आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग है उट सीएलटिव सीएल तो सीएल का आयन है तो एच सी एल स्ट्रॉंग एक दो आयन एक एन एस फोर पॉजिटिव दूसरा सीएल एन एच फोर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग आयन सी एल नेगेटिव वीक आयन तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो सकता है और कौन हाइड्रोलिस करेगा एनएच फोर ठीक है कैटाइन हाइड्रोलिसिस करेगा एंड कैटाइन तो ही बताया जब कैटाइन सॉल्यूशन तो तो अच्छा इसको मैं यहां से भी देख सकता हूं, देखो. हमारे पास सॉल्ट जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट तो हमारे पास सॉल्ट में कौन स्ट्रॉन्ग है उसके बेसिस पर उसका नेचर हो जाएगा यहां पर क्या स्ट्रोंग एसिड एंड वीक बेस तो स्ट्रॉन्गर क्या एसिड है ना ठीक yes, तो है तो एसिडिक सॉल्यूशन आएगा जो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा उसी का क्या हो जाएगा सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा अब कॉन्सेंट्रेशन तो भी क्या रहेगा सी रहेगा ठीक है, रहे है? तो अब रिएक्ट कौन करेगा यार रिएक्ट करेगा एन फोर पॉजिटिव तो एन फोर पॉजिटिव प्लस एच टू ओ विल गिव एनए फोर ओ एच प्लस एच पॉजिटिव ठीक है तो ये रिएक्शन हमारे पास होगी तो यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं रिएक्शन में क्या हो रहा है एच पॉजिटिव निकल रहा है इज नथिंग बट एन एच फोर सी एल एन एच फोर सी एल जो है वही है उसमें से एनएच फोर सी एल में से जस्ट एनएच फोर पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है ठीक है एंड ये जो h पॉजिटिव बन रहा है इट इज नथिंग बट hcl तो ये जो रिएक्शन है क्या है यार इसकी रिवर्स रिएक्शन है कि नहीं है यार ns4cl plus h2o गिव्स ns4oh uh, hcl यही है ना ठीक है सो so, ns4cl plus h2o गिव्स ns4oh plus hcl रिएक्शन हो रही है बट उसमें रिएक्ट जो है वो कौन कर रहा है nh4 पॉजिटिव कर रहा है ठीक है जो cl नेगेटिव आयन है वो सॉल्यूशन में एज इट इज है उसका लाइक like, uh, वगैरह चेंज नहीं हो रहे जितने नेगेटिव 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 तुम्हारे पास इनिशियली उतने ही CL यहां पर ठीक है।, है तो CL के क्या देखो एन एस फोर पॉजिटिव जो है वो हमारे yes, पास क्या है कॉन्सेंट्रेशन वाइज सी है ना तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका सी है इन दोनों का जीरो जीरो ठीक है एंड एट इक्लिबेरियम मान लो इसका एक्स मोलार रिएक्ट कर गया तो ये एक्स मोलार आ जाएगा और ये भी एक्स मोलार आ जाएगा क्लियर है क्या यस yes, ठीक है अच्छा एक और चीज हम यहां पर बताते हैं कि हम आ, हमारे पास ये जब रिएक्शन हो रही है तो सॉल्यूशन एसिडिक आ रहा है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं

h पॉजिटिव के जो मिली सॉरी h पॉजिटिव के जो मोल्स हैं सॉल्यूशन में दैट विल बी ग्रेटर देन oh नेगेटिव के मोल्स ओके okay? क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में एक तरह से hcl है और ns4oh है hcl पूरी तरह आयनाइज है तो h पॉजिटिव के जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो ज्यादा होंगे बट ns4oh जो है वो पार्सली आयनाइज है तो उससे जो oh नेगेटिव के आयंस मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे क्लियर है क्या तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में h पॉजिटिव जो है वो ज्यादा रहेगा एंड h पॉजिटिव ज्यादा है तो ph ऑबवियसली

Yes, sir, तो हमारे तो पास अगर सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव के आयन अवेलेबल है दैट मींस इट इज HCl, ओके okay? HCl well, का भी एचसीएल फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करेगा इट इज स्ट्रांग एसिड है ना तो एच पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्लियर है क्या सो द स्ट्रांग कैटायन विल प्रोड्यूस इवन मोर एच प्लस आयंस सो इट बिकम्स एसिडिक या या तो ऐसे बोल सकते हो ठीक है सो so, हमारे पास जो एनएच4 पॉजिटिव कैटायंस है इट इज प्रोड्यूसिंग एच पॉजिटिव और एचसीएल कुछ भी बोल दो ओके okay? जस्ट एन एच जस्ट पॉजिटिव की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा इट इज प्रोड्यूसिंग एच ठीक है एच के आयन्स आ रहे हैं लेकिन जब एन एच सी एल की बात करूंगा तो मैं बोल दूंगा एच सी एल ओके एन एच NH4Cl सी एल एच सी एल बना है एन एच फोर पॉजिटिव एच पॉजिटिव बना रहा है ओके सो so, uh, अब देखो uh, ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा Now, इस रिएक्शन में क्या रहा? हो रहा है हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोल देंगे ओके तो कांस्टेंट एच तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच क्या होगा ये तो दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस यही होगा तो ये क्या हो गया दिस इज एन एच फोर ओ एच कॉन्सेंट्रेशन इंटू एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एन एच फोर पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दिस इज के एच अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं इस पूरे को एच OH नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तो इट इज एन एच फोर ओ एच इंटू एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव डिवाइड बाय एन एच फोर पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव ठीक है ये आया अब देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया यार ध्यान से देखो एन एच फॉर पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच ने एंड वॉट अबाउट दिसब्लू के डब्ल्यू ओके सो के एच यहां से क्या आ गया इट इज नथिंग बट के डब्लू अपॉन के बीच ओके okay, सो so इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट केएच या फिर केडबल बाय केबी क्लियर है क्या अच्छा केडबल बाय केबी कुछ लास्ट लेक्चर से याद आ रहा है क्या हो सकता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस नो 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 केडबल बाय केबी वाज के ऑफ कंजुगेट याद आया कंजुगेट एसिड बेस पेयर कर लिया था ओके सो बेसिकली इसका जो केएच है ये आया हमारे पास के डब्लू बाय के बी और ये के बी जो है एन एच फोर ओ एच का है सो दिस कैन बी रिटर्न एज के ऑफ एन एच फोर पॉजिटिव ऑल्सो ओके और करेक्ट तो है यार इस रिएक्शन में अगर हम देखें ध्यान से तो एन एच फोर पॉजिटिव एक तरह से एसिड का ही काम कर रहा है ना तो एन एच फोर पॉजिटिव का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या होगा के होगा ना ओके सो एन एच फोर पॉजिटिव का जो के है वही तो है ये. और एन एच फोर पॉजिटिव का के जो है वो क्या होगा के डब्ल्यू बाय के बी और के बी वहां पर किसका है kb है OH. and so, का क्लियर है क्या सो kh इस रिएक्शन का मींस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज आल्सो k ऑफ ns4 पॉजिटिव अब देखो इसको वैसे ही लिख क्या सकते हैं तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस यही है ना सो वी कैन सब्स्टिट्यूट इट तो kh हो गया हमारे पास x into x अपॉन सी माइनस एक्स ये हम बोल सकते हैं एक्स माइनस एक्स अब देखो एक्स यहाँ पर सी से बहुत छोटा होता है तो एक्स इज वेरी वेरी लेस वो जनरली हो गई ठीक है वैसे चेक कर सकते हो अगर करना है तो ये अल्फा वाला कॉन्सेप्ट लगा के तो इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन सी देन क्या करेंगे सी माइनस एक्स को विल टेक सी तो के एच क्या आएगा इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन सी तो यहां से एक्स स्क्वायर क्या हो गया इट इज के एच इन टू सी तो एक्स क्या आ गया एक्स आ गया रूट ऑफ के एच इन टू सी एंड वॉट इज एक्स एक्स देखो क्या है एक्स है यहां पर एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है ना तो बेसिकली हमें यहां पर एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है सो रूट ऑफ के एच इन टू सी इज नथिंग बट एच पॉस्टिकेशन ओके और के एच को सब करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम के डब्लू अपॉन के बी सो एच पॉस्टिकेशन इज रूट ऑफ के डब्लू अपॉन के बी एंड साथ में यहां पर क्या आ गया सी आ गया सो दिस इज एच पॉस्टिव कॉन्सेंट्रेशन

ठीक है अब देखो के uh, डब्ल्यू का वैल्यू क्या है टेन एच टू पावर माइनस फोर्टीन है ना इसको जब हम सब करेंगे तो माइनस फोर्टीन आगे आएगा तो ऑब्वियसली हो गया सो so हमारे पास क्या आएगा इट इज सेवन इसके अलावा माइनस लॉग के बी क्या होता है पी के बी ना तो माइनस लॉग के बीज पी के बी तो लॉक केबी को क्या लिख सकते हैं माइनस पी के भी तो यहां से आया सेवन माइनस हाफ पी के बी देन माइनस हाफ लॉग सी ओके सो ये हमारे पास पीएच का फॉर्मूला आ गया ओके okay? तो यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं कि पीएच जो है लेस देन सेवन आ रहा है ठीक है पीएच क्या आ रहा है लेस देन सेवन आ रहा है सेवन माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी सेवन माइनस माइनस फॉर्मूला याद कैसे रखोगे सेवन माइनस माइनस ओके तो सेवन माइनस हाफ पी माइनस हाफ लॉग सी और देखो यहां पर क्या वीक बेस था तो के भी आएगा उसका आ, पानी दे जाना। तो 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 था क्या क्या आएगा आएगा है या तो होगा अच्छा इसके अलावा अब देखो ये हम नेग्लेक्ट कब करते हैं एक्स इज वेरी वेरी लेस देन सी जब अल्फा क्या है लेस देन इक्वल टू तो पॉइंट वन होता है ना जीरो पॉइंट वन तो यहां पर अल्फा की अगर हम बात करेंगे तो अल्फा की बजाय उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज एच क्या है ये सेम वही रिएक्टेड अपॉन इनिशियल रिएक्ट हुआ एक्स इनिशियल C सी so एच क्या आएगा H इज इक्वल टू एक्स बाई सी वॉट इज x? x देखो हमारे पास क्या आया x आया था रूट ऑफ के एच इंटू सी सो x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रूट ऑफ के एच इंटू सी एंड देन डिवाइड बाय c करेंगे तो यहां से H क्या होगा H आ गया रूट ऑफ के एच बाय सी तो वैसा ही है ना यार देखो अभी तक जो अल्फा की वैल्यू क्या होती थी या तो होती थी रूट ऑफ या होती थी रूट ऑफ यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एच है तो रूट ऑफ के एच बाई सी क्लियर है क्या ऑब्वियसली के एच को आगे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फर्दर सो के एच को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन यहाँ पर क्या है वीक बेस है ना सो के भी आएगा एंड साथ में सी तो so, ये हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या एच का फॉर्मूला हो गया ओके okay? तो so, ये लिख लो इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है एक एंड क्वेश्चन इज फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन so for here it's the same is uh, is is much much less less than than alpha h yes but generally substitute न, kw वैल्यू तो वो less than ही आता है बट ऑब चेक है ठीक है अगर h की वैल्यू जीरो पॉइंट वन से कम नहीं है देन हमें फिर क्या करना पड़ेगा ये वाला कॉर्डर सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है बट जनरली यहां पर होता है वो मॉडल के पीछे आंसर दिया होगा चेक कर लो करेक्ट है या नहीं माय आंसर वाज़ टेन टू द माइनस इलेवन पॉइंट टू देव टू फाइव टाइम्स टेन ओके साक्षी एंड यस तुम्हारा आंसर आया आंसर आया यस व्हाट अबाउट यू सॉल्व कराए क्या यस yes, तो देखो आ, हमें क्वेश्चन में दिया है जीरो पॉइंट टू फाइव बोला किसका दिया है सी सिक्स एच फाइव एन पॉजिटिव सीएल नेगेटिव तो ये एन एच फोर सीएल होगा जैसे एनएस एच फोर पॉजिटिव नेगेटिव ऑलमोस्ट उसी टाइप का हो गया है सॉरी सी फाइव सी C5H6, एच सिक्स सी फाई एच सिक्स एन पॉजिटिव सीएल नेगेटिव तो जैसा हमने बताया ऑलमोस्ट ये एन एस फोर सी एल जैसा ही है तो और यहाँ पर के बी जो है हमें क्या दिया है, के है सॉरी केबी निकालना है हमेंट्रेशन एंड so के बी निकालना है ठीक है सो so, यहां पर पॉजिटिव आयन का होगा, नेगेटिव का नहीं होगा ना तो पॉजिटिव आयन का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक एंड पीएच का फॉर्मूला क्या हो गया इट इज सेवन माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी सो पीएच इज टू पॉइंट सेवन इज इक्वल टू सेवन माइनस हाफ पी के बी एंड माइनस हाफ लॉग फोर so, लिख देंगे साइन को पॉजिटिव कर देंगे Now, four is but two to two. तो इसका टू आगे आएगा तो ये हो जाएगा हाफ पी के बी इज इक्वल टू सेवन माइनस टू पॉइंट सेवन प्लस जीरो पॉइंट थ्री दट इज सेवन पॉइंट थ्री माइनस टू पॉइंट सेवन क्या गए ना फोर पॉइंट सिक्स वन यस सर सो पी के बी इज नाइन पॉइंट टू है ना पी के बी को वी कैन राइट एज माइनस लॉग ऑफ के बी माइनस लॉग ऑफ के बी इज नाइन पॉइंट टू सो लॉग ऑफ के बी इज माइनस नाइन पॉइंट टू ओके अब यहां पर थोड़ा सा क्या अप्रोक्सीन वगैरह करेंगे मतलब पहले तो हम इसको क्या लिख देते हैं सो माइनस नाइन पॉइंट टू को वी कैन राइट एज माइनस टेन प्लस पॉइंट एट एंड पॉइंट एट को हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करते हैं जिसको हम लिख देते हैं जीरो पॉइंट सेवन एट हमें जीरो पॉइंट फोर एट प्लस होता है, है दोनों की वैल्यू पता है ना क्या लॉक टू एंड लॉक थ्री की वैल्यू है ना या सो ऑब्वियसली ये लॉग सिक्स हो गया है ना सो लॉग ऑफ के बी इज लॉग ऑफ टेन टू पावर माइनस टू प्लस लॉग ऑफ सिक्स सो दिस वैल्यू इज लॉग ऑफ सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टेन क्लियर है क्या ओके सो ओबियसली के भी आ गया ना यहां से के भी आया सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टेन तो आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा आंसर स्लाइटली ग्रेटर देन दिस क्यों बिकॉज वी हैव टेकन है एट हमने स्लाइटली लेसर वैल्यू ली है, है ना जीरो पॉइंट एट जो है वो log सिक्स से थोड़ा सा बड़ा है हाँ सो ओबियसली ओब्वियसली दिस इज 6. समथिंग इन टू टेन टू पावर माइनस टेन क्लियर है yes, yeah. देखो फिर आगे चलते हैं. ओके, सो ये हमारे पास था सेकंड टाइप का सॉल्ट अब नेक्स्ट लेते हैं थर्ड टाइप तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड ठीक है, सॉरी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है यहां पर स्ट्रॉन्ग क्या बेस है? है ना तो सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक होगा ठीक है ऐसे सोल्ट का सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक होगा तो एग्जांपल जैसे सी एच थ्री सी ओ एन ए सिमिलरली एच सी ओ एन ए सिमिलरली सी एच थ्री CO होल्ड ट्वाइस बी ए तो ये सभी जो है इसी टाइप के हो गए ठीक है तो अब देखो सी एस थ्री सी ओ एन ए वाला हम ले लेते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली इस टाइप के सॉल्ट कैसे बनते हैं जब वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस जो है वो फुली आयोनाइज होते हैं या सॉरी फुली न्यूट्रलाइज होते हैं तो इस टाइप के सॉल्ट बनेंगे ठीक है सो वीक एसिड जैसे सी एस थ्री सी ओ एच हो गया एंड स्ट्रोंग बेस जैसे हो गया एन ए ओ एच दोनों ने मिलके हमें दे दिया सी एस थ्री सी ओ एन ए हमारे पास आ गया एच टू ठीक है अब देखो सी एस थ्री सीओ एन चेक करना है आइन कौन कौन से हैं? तो एक तो है हमारे पास सी एस थ्री सी ओ ने दूसरा है कैसा यार? किसका है? तो है।, है।, है ना तो सी एस थ्री सीओ एच वॉज वीक सी एस थ्री नेगेटिव क्या हो गया स्ट्रॉ होगी वॉट अबाउट एन ए पॉजिटिव एन ए पॉजिटिव का एन एच इज स्ट्रॉन्ग्र सो एन ए पॉजिटिव तो यहां पर रिएक्शन जो है वो कौन सा आइन करेगा सी एस थ्री सीओ नेगेटिव आइन रिएक्ट करेगी है ना एंड ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो नेगेटिव आइन रिएट करेगा सोल्यूशन क्या आएगा बेसिक आए ओके सॉल्यूशन बेसिक आएगा या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली रिएक्शन जो है यही रिवर्स जाने वाली है तो जब ये रिएक्शन रिवर्स जाएगी तो एक तो वीक एसिड मिलेगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा सॉल्यूशन में तो स्ट्रॉन्ग बेस भी आ रहा है सॉल्यूशन में और वीक एसिड भी आ रहा है ना स्ट्रॉन्ग बेस के जो आय हैं मतलब स्ट्रॉन्ग बेस पूरी तरह आयनाइज होगा तो उसे जो ओएच OH नेगेटिव के आइन्स मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे है ना एंड वीक एसिड पार्सली आयनाइज होगा तो उसे एच पॉजिटिव बहुत कम आएगा तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में ओ एच नेगेटिव के आय जो हैं, एच पॉजिटिव के आय से ज्यादा होंगे दैट्स सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा क्लियर है तो सीएस थ्री सी ओ एन ए हमारे पास मान लो सी मोलार है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी सी होगा इसका भी सी होगा तो अब सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव जो है ये रिएक्ट करेगा तो सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस एच टू ओ विल गिव सी एच थ्री सी ओ एच प्लस ओ एच नेगेटिव ठीक है तो ये हमारे पास अभी रिएक्शन होगी सॉल्ट जो है उसका सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव आयन रिएक्ट करेगा एंड सी एस थ्री सी ओ एच प्लस ओ एच नेगेटिव बनाएगा तो हम देख सकते हैं एच oh नेगेटिव निकल रहा है मतलब ये बेस का ही काम कर रहा है ना और करना भी चाहिए तो ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा बेसिक आएगा या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या है ये रिएक्शन ही रिवर्स जा रही है ना क्योंकि सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव मतलब सी एस थ्री सी ओ एन ए हो गया है एंड सी एस थ्री सी ओ एच प्लस नेगेटिव बन रहा है दिस इज नथिंग बट एन एच ठीक है बट रिजल्टेंट रिएक्शन ऑब्वियसली जो हमने ब्लैक में लिखा यही हो रही है तो हमारे पास ये जो सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ये C है और इन दोनों का जीरो जीरो है देन इसका X मोलर रिएक्ट करेगा एट इक्विलिब्रियम तो ये बचेगा C माइनस एक्स एंड ये जो है ये एक्स मोलार बनेगा ये भी एक्स मोलार बन जाएगा क्लियर है क्या ठीक है सो so, एकदम लास्ट टाइम जैसा ही हो रहा है लिखो फिर आगे चलते हैं Dancer. तो आ, अब देखो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है वो क्या होगा ऑब्वियसली यहां पर हाइड्रोलिस कांस्टेंट के एच है तो ये क्या होगा तो दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस है ना सी एस थ्री सीओ एच इंटूएसटिव अपन सी एस थ्री सीओ नेगेटिव तो तो ये हमारे पास केएच या हाइड्रोलिस कॉन्सेंट हो जाएगा अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं एच पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तो ये वाला पार्ट देखो क्या हो गया

CO acid का का काम कर रहा है एंड सी एस थ्री सीओ नेगेटिवेट बेस का ठीक है तो इसका के भी होगा और इसका के होगा तो इसका के के बी का रिलेशन हमें पता ही है ना इसका के भी अगर निकालना है तो के डब्ल्यू ओपन इसका K. तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बट दैट इज आल्सो Kb ऑफ CH3CO नेगेटिव ओके सो इसको हम ऑब्वियसली Kb ऑफ CH3CO नेगेटिव भी बोल सकते हैं ठीक है तो ये के हो गया नाउ के क्या है सो के इज इक्वल टू यहां पर भी एक्स इंटू एक्स अपॉन सी माइनस है

इट इज रूट ऑफ के डब्ल्यू अच्छा यहाँ पर वीक एसिड है तो के आ जाएगा सो रूट ऑफ के डब्लू अपॉन के एंड इन टू सी हो गया ठीक है सो नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बट हमें एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना बिकॉज पी एच निकालना है तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कैसे आ सकता है आप ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन से एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा के डब्ल्यू अपॉन एच पॉजिटिव से आ जाएगा ना तो अगर हमें H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज के डब्ल्यू अपॉन ओ नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं सो के डब्ल्यू अपॉन ओ नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अगर हम यहां पर करेंगे दैट इज के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के तो देखो इसको अगर रूट के अंदर लेंगे तो के डब्ल्यू स्क्वायर हो गया है सो so ये आ जाता है कुछ इस टाइप से के डब्ल्यू इंटू के अपॉन सी का रूट सो दिस इज एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ऐसे केस में ये हमारे पास होगा एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन करेंगे पीएच की तो पीएच क्या होगा पीएच इज माइनस लॉग ऑफ दिस तो माइनस लॉग ऑफ रूट ऑफ के डब्लू इंटू के अपॉन सी दिस इज माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ लॉक के एंड प्लस हाफ लॉग सी तो माइनस लॉक ये जो है के डब्ल्यू हाफ लॉक के डब्ल्यू ये हो गया सेवन पी एच इज सेवन एंड देन माइनस लॉक के हो गया पी के

फॉर्मुला तो 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 याद रख सकते हो बाकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसियल एंड एक्स जो है, upon जो है हमारे पास है रूट ऑफ के एच इन टू सी अपॉन सी करेंगे तो एच क्या आ गया ये आ गया रूट ऑफ के डब्लू ऑब्वियसली ये पहले इसको यहाँ से सिंपल देख लेते हैं तो यह रूट ऑफ के एच अपॉन सी एंड के एच को अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये आएगा के डब्ल्यू अपॉन यहाँ पर क्या है वीक एसिड है तो K आ जाएगा इन टू सी का रूट सो दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्लियर है सभी को यस yes, सर तो इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव सिक्सटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव सॉल्व करो इसके बाद डांसर आंसर मैच किया यस ठीक बाकी का आया साक्षी एंड सेवेंटी फाइव

कराए क्या yes, तो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव तो यहां पर हमें सी एस थ्री सी ओ एच दिया है एसिड दिया एंड एन बेस दिया तो भी और बेस दिया जाएगा तो रिएक्शन होगा, तो होगा तो सी एस थ्री सीओ एच एंड प्लस एच टू देखो सी एस थ्री सीओ एच कितना है ये हमारे पास ट्वेंटी मिलीबोटा mm. एंड जो है वो भी ट्वेंटी मिली मोल ना दोनों में से कोई भी लिमिटिंग नहीं है ना दोनों खत्म हो जाएंगे तो ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर गए ये ट्वेंटी मिली मोल बन जाएगा हमारे तो पास रिजल्टेंट सोल्यूशन में सोल्ट एंड वाटर है ठीक तो है तो ऑब्वियसली सोल्ट कैसा है सी एस थ्री सी एन ए है ना तो उसमें नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिस होगा तो पीएच क्या आएगा नेगेटिव लेस देन सेवन आएगा कि ग्रेटर देन नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस होगा तो बेसिक सॉल्यूशन आएगा बेसिक सॉल्यूशन आएगा तो पीएच ग्रेटर देन सेवन ओके सो पीएच का फॉर्मूला होगा सेवन प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी लेकिन सी क्या होगा सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट नेगेटिव आयन है ना तो देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ट्वेंटी इसका मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे तो ये कितना हो गया हंड्रेड एक का था हंड्रेड दूसरे का ना तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया इट इज टू हंड्रेड एम ओके तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा दैट इज नथिंग बट जीरो पॉइंट वन मोलार ओके सो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो पॉइंट वन मोलार होगा यहां पर कुछ मिस्टेक कर देते हैं कि यार ये जीरो पॉइंट टू मोलार दिया ये जीरो पॉइंट टू मोलार दिया ये भी जीरो पॉइंट टू मोलार बनेगा लेकिन ये जीरो पॉइंट टू मोलार बिफोर मिक्सिंग दिया है जब ये दोनों दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन आया उसमें हाफ हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम डबल हो रहा है ठीक है तो अगर इन टर्मसेंट्रेशन करते तो ये ये डबल तो हाफ। तो ये भी पॉइंट वन बोल मोलार तो ये जो मिलेगा पॉइंट वन बोल आर मिलेगा क्लियर है तो सब कर देते हैं तो दिस इज सेवन प्लस हाफ पी के दैट इज फोर पॉइंट सेवन फोर प्लस हाफ लॉग सी सी जो है वो कितना है इट इज जीरो पॉइंट वन दिस इज सेवन प्लस टू पॉइंट थ्री सेवन एंड ये टेरिस माइनस वन आगे आएगा तो ये माइनस जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा सो दैट इज एट पॉइंट एट सेवन क्लियर है क्या क्लियर है सबको यस yes, इन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव में दूसरे टाइप से दिया हमें हमें यहां पर सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है ओके तो सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज गिवन एज जीरो पॉइंट फाइव मोलार जीरो पॉइंट फाइव मोला बी ए सी एन होल्ड ट्वाइस एंड पी के बी ऑफ सी एन नेगेटिव दिया है नाइन पॉइंट थ्री अब देखो यहां पर भी अगर हम देखें तो बी ए टू पॉजिटिव तो इस, आ, बी एच होल्ड वाइस से आया है ना? है ना दो एक टू पॉजिटिव एक है, है नेगेटिव तो पॉजिटिव बेस से आया तो ये वीक हो गया एंड सीएन नेगेटिव एच सी एन से आया तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो यहां पर भी नेगेटिव आयन का हल्ट्रोलिस होगा मीन सॉल्यूशन क्या आएगा बेसिक आएगा तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा पीएच इज सेवन प्लस हाफ पी प्लस हाफ लॉग सी ओके, सो सेवन प्लस हाफ पीके अब यार पीके क्या है हमें तो पीके भी दिया है और पीके भी किसका दिया का हमें चाहिए PK किसका HCN का, PK किसका चाहिए हमें एच सी एन का चाहिए तो पीके ऑफ एच सी एन क्या होगा यार तो पीके ऑफ एचसीएन हो जाएगा फोर्टीन माइनस बी ऑफ नेगेटिव क्लियर है क्या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का पीके PK, पीकेबी का रिलेशन तो यहां से क्या आएगा ये दिस इज फोर्टीन माइनस नाइन पॉइंट थ्री डेट इज फोर पॉइंट सेवन ओके सो पीके ऑफ एच सी एन हो जाएगा फोर पॉइंट सेवन इसके अलावा प्लस हाफ लॉग सी अब देखो सी यहाँ पर क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन है एक्चुअली इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन मैक्सिम के कॉन्सेंट्रेशन है बट इस केस में ऐसा नहीं है, देखो, molar, है तो ये आएगा। बट का कितना मोलार हो जाएगा यारीएस होल्टवाइ से दो सी एन मिलते हैं तो बी एस एन होल्ट का पॉइंट फाइव मोलार है का कितना मोलार होगा डबल होगा ना

लिया सबने yes, तो ये हमारे पास था थर्ड टाइप का सॉल्ट नेक्स्ट लेंगे अब वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट तो हाइड्रोलिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट तो वीक एसिड वीक बेस के सोल्ट की अगर हम बात करेंगे तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे एनएच फोर सी एन एच सी ओ एनएच फोर थ्री सीओ एन एच फोर एटसेट्रा तो इस टाइप के सोल्ट कैसे बनेंगे जब वीक एसिड और वीक बेस न्यूट्रलाइज होंगे अब देखो यहाँ पर हम जस्ट सोल्ट को देख के नहीं बता सकते हमारे पास अः वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है? वीक है तो ऐसे केस में हमें के और के बी की वैल्यू पता होनी चाहिए फिर ही हम बताएंगे एसिडिक और बेसिक तो वीक एसिड प्लस वीक बेस विल गिव सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस प्लस एच टू तो वीक एसिड जैसे हो गया एच सी एन एंड वीक बेस जैसे हो गया एन एच फोर ओ एच तो सॉल्ट हमें मिलेगा एनएच फोर सी एन प्लस आ गया H2। तो अब देखो NH4CN जो है, इसके कौन-कौन से आयन हैं? एक है NH4 पॉजिटिव और दूसरा है CN नेगेटिव। ठीक है? ना NH4CN जो है, इससे दो आयन मिले NH4 पॉजिटिव, CN नेगेटिव। तो NH4 पॉजिटिव किसका आयन है यार? NH4OH का? है ना? NH4OH क्या है? वीक है। तो NH4 पॉजिटिव क्या होगा? स्ट्रॉंग होगा।

इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर सी है तो इन दोनों आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी सी होगा तो एन एच फोर पॉजिटिव प्लस सी एन नेगेटिव प्लस एच टू ओ विल गिव एन एच फोर ओ एच प्लस एच सी एन ठीक है तो अब देखो ये ऑब्वियसली यही रिएक्शन जो है रिवर्स हो गई है ना अब यहां से हम देख सकते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक आ सकता है बेसिक आ सकता है वो कैसे के केवी पे डिपेंड कर रहा है ये जब रिएक्शन हुआ तो हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन में मिला एन एच फोर ओ एच एंड एच सी एन ठीक है और एच सी एन भी क्या है वीक है अगर हम बोलते हैं यार के जो है एच सी एन का वो ज्यादा है तो ऑब्वियसली और कंपेरिटिवली ज्यादा एच पॉजिटिव देगा ना ठीक है एनएच फोर ओ एच का जो के बी है उससे बड़ा एच सी एन का अगर के हो गया तो एच सी एन क्या करेगा ज्यादा देगा, to -OH का तो OH तो तो हमें ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा, है है, ना? आएगा बट अगर के भी जो है वो के से ग्रेटर हो गया तो के तो भी अगर के से ग्रेटर हो गया तो ओ एच नेगेटिव हमें ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू एच पॉजिटिव तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक और अगर के के भी दोनों ही सेम हो गए तो जितने एच पॉजिटिव के आय मिलेंगे उतने ही वो एच नेगेटिव के मिल जाएंगे सो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, भी न्यूट्रेस सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका सी है इसका सी है इन दोनों का जीरो जीरो नाउ एटिकली विरियम लो एक्स मोलर रिएक्ट कर गया तो ये बचेगा सी माइनस एक्स दिस इज आल्सो सी माइनस एक्स एंड ये एक्स मोल आ जाएगा तो मतलब एक्स मोलर आ जाएगा एंड ये भी एक्स मोलर आ जाएगा ठीक है तो अभी हाइड्रोलिसिस कांसेंट क्या होगा सो केएच इज इक्वल टू एनएच फॉर ओएच कंसेंट्रेशन टू एच सी एन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बायर पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू सी एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ठीक है सो दिस इज के एच अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इसे सो दिस इज एन एच फोर ओ एच इन टू एच सी एन इंटू एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव डिवाइड बाय एन एच फोर पॉजिटिव इंटू एच नेगेटिव इंटू एच पॉजिटिव इंटू सी एन नेगेटिव अब देखो

Is... K -K yes. okay. so, के K -K okay. so, हमारे पास के एच आ जा जाता है इस टाइप के रिएक्शन का वीक एसिड और वीक बेस का जब हाइड्रोलिस होता है तो के एच क्या होता है के डब्लू अपॉन के के बी होता है क्लियर है लिखो फिर आगे चलते हैं yes, डन ओके सो ये uh, हमारे पास हो गया के एच एंड के बी का रिलेशन अब देखो ऑब्वियसली के एच का एक्सप्रेशन क्या होगा दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस इनटू दिस सो के एच इज इक्वल टू एक्स इनटू एक्स अपॉन सी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स एंड इज ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स का स्क्वायर अब देखो यहाँ पर क्या है सी माइनस एक्स जो है जनरली उतना छोटा नहीं होगा यह हम बोल सकते सॉरी एक्स जो उतना छोटा नहीं होगा सी से क्यों बिकॉज जो इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट है के एच वो थोड़ा पहले से बढ़ गया है पहले हमारे पास K -H के एच की वैल्यू आता होती थी के डब्ल्यू अपन के या होती थी के डब्ल्यू अपन के वी अभी वो है के डब्ल्यू अपन के के बी सो के और के बी की वैल्यू जब सब्सिट्यूट करते हैं तो वैल्यू थोड़ी सी ग्रेटर आ जाती है ओके तो अभी यहाँ पर मोस्टली uh, एक्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो एक्स अपॉन सी माइनस एक्स जो है उसको क्या लिख सकते हैं इट इज रूट ऑफ के एच या फिर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के के अब देखो देखो लास्ट uh, टाइम यार एक्स जो है या तो h+ की कंसंट्रेशन होता था या oh- नेगेटिव कंसंट्रेशन यहां पर एक्स क्या है इट इज hcn कंसंट्रेशन एंड nh4oh कंसंट्रेशन तो ph एंड poh वगैरह कैसे निकाले h+ की कंसंट्रेशन और oh- नेगेटिव कंसंट्रेशन कहां से आएगी तो देखो एक्स यहाँ पर कुछ अभी अलग दे रहा है लेकिन अगर हम यहाँ पर k ऑफ hcn का एक्सप्रेशन लिखे तो वो क्या होगा ऑफ एच सी एन इज एच पॉस्टिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू सी एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय सी एन कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या एच सी एन का एक्सप्रेशन का यही होगा ना एंड यहां पर देखो हमें एच पॉस्टिव अलावा बाकी वैल्यूज मतलब बाकी का पता है एच पॉजिटिव जो है उसके अलावा देखो मतलब हमें यहां पर HCN चाहिए जो कि x है CN नेगेटिव चाहिए C x है और K तो उस एक्सप्रेशन में है ही ठीक है तो यहाँ से हमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन मिल जाएगा सो so, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K HCN कंसंट्रेशन डिवाइड बाय CN माइनस कंसंट्रेशन तो ये हो जाएगा K HCN कंसंट्रेशन हमारे पास आ रहा है x और CN आ रहा है एक्स -X. तो एक्स अपॉन सी माइनस एक्सप्रेस किया जा सकता है सो दिस इंटू रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के के बी तो के को अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा तो दिस इज रूट ऑफ के डब्लू इंटू के डिवाइड बाय के बी तो ये हमारे पास आएगा एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन और पीएच निकालना है तो तो पीएच इज माइनस लॉग ऑफ दिस दैट इज माइनस हाफ लॉग के डब्लू माइनस हाफ लॉग के प्लस हाफ लॉग के तो यहां से पीएच क्या आएगा ये देखो माइनस लॉग के डब्लू जो है यहां पर KW के डब्लू की वैल्यू सब करेंगे तो सेवन हो गया इसके अलावा माइनस लॉग के को पी के बोल सकते हैं और ये हो गया माइनस पी के बी तो दिस इज सेवन प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस बी तो ये हमारे पास पीएच का फॉर्मूला हो गया ठीक है तो देखो इस फॉर्मूले में हम साफ साफ देख सकते हैं पीएच कैन बी ग्रेटर देन वन कैन बी लेस देन वन बिकॉज वो डिपेंड करेगा पीके और पी बी की वैल्यू पर ओके या के के बी की वैल्यू पर इसके अलावा पीएच अभी देखो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है लास्ट के दोनों केसेस में पीएच कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था इसमें डिपेंड नहीं कर रहा मतलब तुम NH4CN का कितना ही कॉन्सेंट्रेशन ले लो पीएच सेम ही रहेगा ओके okay? तो अब यहां पर थोड़ा अलग अलग टाइप का वो देख लेते हैं कि यार इफ के ग्रेटर देन के भी हुआ तो तो इफ के ग्रेटर एन के भी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि के के बी से बड़ा है तो हमें एच पॉजिटिव ज्यादा मिलेगा मीनस एसडिक सोल्यूशन तो यहाँ से भी वही आना चाहिए तो इफ के ग्रेटर एन के भी तो देखो माइनस लॉक के और माइनस लॉक के भी जो है वो उल्टा हो जाएगा ना हम बोल सकते पी के और पी के भी उल्टा हो जाएगा तो के ग्रेटर एन के भी है तो पीके लेस देन पी के भी हो जाएगा तो पीके लेस देन पीके भी हो गया तो यहाँ पर सब करेंगे पी के भी बड़ा है तो ये नेगेटिव आएगा ना तो नेगेटिव आएगा तो पीएच लेस क्या हो जाएगा सेवन ठीक है एंड सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल सॉरी सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक ठीक है अगर के जो है वो केबी से छोटा हुआ केबी बड़ा है तो ऑब्वियसली ओएच ज्यादा मिलेगा ज्यादा मिलेगा तो बेसिक सॉल्यूशन आएगा तो यहां से देख लेते हैं तो के छोटा के भी बड़ा तो पी के क्या हो जाएगा पी के भी बिकॉज वो माइनस लॉक के एंड माइनस लॉक के भी है तो पी के ग्रेटर एन पी के भी हो गया तो ये वाला वैल्यू जो है पी के ग्रेटर एन पी के भी होगा तो पॉजिटिव आएगा मीन्स पीएच क्या होगा ग्रेटर देन सेवन ऑब्वियसली ऐसे केस में सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक एंड अगर के के भी दोनों सेम हुआ तो ऑब्वियसली पी के इक्वल टू पी के भी होगा न्यूट्रल होगा ऐसे केस में पीएच जो है वो सेवन होगा और सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो ये देखो ये जो सी एस थ्री सी ओ एन एच फोर है ना दे सी एस थ्री सी ओ एन एच फोर ये न्यूट्रल है अब इसका न्यूट्रल होने का रीजन क्या है देखो यहां पर सी एस थ्री सी ओ एच का जो के है वही NH4OH एन एच फोर ओ एच का के बीबी है ना? सेम वैल्यू है सी एस थ्री सी ओ एच एंड एनएच फोर ओ एच दोनों का जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है या एनएसएन कॉन्स्टेंट है वो सेम है दैट्स दाय हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन क्या है न्यूट्रल है ठीक है सो एन ए सी एल भी न्यूट्रल होता है एंड सी एस थ्री सी ओ एन एच फोर भी न्यूट्रल होता है बट दोनों के न्यूट्रल होने का जो रीजन है दैट इज डिफरेंट एन ए सी एल न्यूट्रल क्यों है बिकॉज वहां पर जो आयंस है वो वीक है वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं ठीक है बट सी एस थ्री सी ओ एन एस फोर न्यूट्रल क्यों है बिकॉज उस केस में आयंस तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं बट उनका जो के और के भी है वीक एसिड और वीक बेस का वो सेम है दैट्स वाई न्यूट्रल है क्लियर है क्या यस सर ठीक है इसके अलावा आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर यहां पर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे तो देखो h इज रिएक्टेड अपॉन इनिशियल तो यहां से x क्या आ गया यहां से x हम लिख सकते हैं ch तो देखो यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x अपॉन c x क्या हुआ यार इट इज ch अपॉन c ch तो C को कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो इट इज H अपॉन वन माइनस एच ना तो H अपॉन वन माइनस एच हो जाएगा X अपॉन C माइनस एक्स की जगह तो वहां पर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा ये दिस इज H अपॉन वन माइनस एच इज इक्वल टू रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के के बी तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहां पर निकाल सकते हैं क्लियर है तो लिखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन डो आया और किसी का आंसर साक्षी आंसर आया सर एक बार आप सॉल्व करके दिखा दोगे सो okay. so, uh, तो देखो यहां पर हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस का ही सॉल्ट है एंड पूछा कि कितना परसेंट हाइड्रोलिसिस होगा के और के बी दोनों का वैल्यू उसने सेम दिया है ठीक है सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ही निकालना है एक तरह से तो एच अपॉन वन माइनस एच इज इक्वल टू रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के 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 बी ठीक है इसी टाइप से हम निकालते हैं वीक वीक एसिड एंड बेस सोल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या एच एच तो वन माइनस एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास टेन रेज टू पावर माइनस फोर्टीन के एंड के बी का वैल्यू उसने दिया हमें थ्री इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन ओके, सो एच जो है ये क्या होगा तो देखो ये टेन एच टू पावर माइनस फोर्टीन कैंसल आउट हो गया एंड रूट लेने पर आया वन बाय थ्री सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एच इज इक्वल टू वन माइनस एच सो फोर एच इज इक्वल टू वन एच आएगा वन बाय फोर या जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव इज नथिंग बट ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है सो so, जो 20, हमारे पास यहां पर जो हाइड्रोलिसिस होगा वो होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट क्लियर है क्या yes, हो गया सबका ठीक yes, है तो हमारे पास मेनली चार टाइप के सॉल्ट हो गए जिनके हम हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पॉलीबेसिक वीक पॉलीबेसिक एसिड के सॉल्ट जो है वो भी हैं, उनका भी हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग डालो हाइड्रोलिसिस ऑफ और... सोल्ट ऑफ वीक पॉलिबेसिक एसिड हाइड्रोलेसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक पॉलिबेसिक एसिड ठीक है तो हम यहां पर ले, ले लेते सॉल्ट ऑफ एच थ्री ए एच थ्री ए जैसे एग्जाम्पल हो गया एच थ्री फोर है ना एच थ्री पीओ फोर जो है वो एच थ्री ए जैसा ही है ना तो एच थ्री ए जो है ये हमारे पास जब आयनाइज होता है इसके तीन के हैं यार है ना? थ्री ए जो है इसके तीन के हैं पहले एक एच पॉजिटिव निकाला फिर दूसरा एच पॉजिटिव निकाला इसके एच पॉजिटिव निकाला तो निकाल पर तीन के हैं फर्स्ट वाले का जो है वो है के वन, सेकेंड वाले का हो गया एंड थर्ड वाले का के थ्री ठीक है सो एच थ्री ए का जो आई एस एन कॉन्सेंट्रेट इज के वन एच टू ए नेगेटिव का के टू एंड एच ए टू, टू नेगेटिव का के थ्री तो अब हम यहां पर अलग अलग टाइप के मतलब एच थ्री ए के कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं तो पहले इसमें ले लेते हैं -A -A टाइप. ठीक है एन ए थ्री ए टाइप जैसे एन ए थ्री तो अब देखो एन ए थ्री ए टाइप में हमारे पास जो आयन से कौन कौन से है? एक है एन ए पॉजिटिव और दूसरा है ए थ्री नेगेटिव ऑब्वियसली एन ए पॉजिटिव तो वीक आए ना तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा बट ए थ्री नेगेटिव एस थ्री ए वगैरह उन सब से आ रहा है तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना तो ए थ्री नेगेटिव का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा तो ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज एक तरह से बेस का काम कर रहा है तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा एंड ये बनाएगा एच नेगेटिव प्लस ओ नेगेटिव तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के एच यह हो जाएगा के डब्ल्यू डिवाइड बाय देखो क्या होता था जब नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस होता था तो क्या होता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था नेगेटिव आयन का होता था, जैसे सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव का हो रहा था इक्लिबरियम कॉन्स्टेंट के एच था बट वो के डब्ल्यू अपॉन के ए था ना? और वो के किसका था इसका था ना तो यहां पर एच ए टू नेगेटिव का के ए क्या होगा यार एच ए टू नेगेटिव का केस के थ्री सो इस रिएक्शन का जो इक्लिवर कॉन्सटेंट है वो हो जाएगा के थ्री ठीक है हम बोल सकते हैं जो हाइड्रोलिसिस है यहां पर, वो आएगा के डब्लू अपॉन के थ्री ओके तो पीएच क्या होगा तो पीएच का फॉर्मूला भी वैसे ही आएगा जैसे सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव का आ रहा था क्या था यार सी एस थ्री सीओ नेगेटिव केस में क्या था पी सेवन प्लस हाफ लॉग सॉरी सेवन प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी ना बट वहां पर पीके था यहां पर पीके थ्री होगा प्लस हाफ प्लस हाफ लॉग सी ये यहां पर पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा ओके सो एन ए थ्री पीओ फोर अगर तुम्हें दिया और उसका तुम्हें पीएच पूछता है तो फॉर्मूला लगाओगे एंड के एच पूछता है तो ये लगेगा ओके okay? लिखो फिर आगे चलते सी एस थ्री सी ओ जैसा ही है लेकिन सी एस थ्री सीओ नेगेटिव से सी एस थ्री सी ओ एच बनता है यहां पर एच ए टू नेगेटिव बन रहा है तो सी एस थ्री सी ओ एच का के था यहां पर एच ए टू नेगेटिव बन रहा है उसका के थ्री है तो जो के है उसके जगह के थ्री गए बाकी एज इट इज ओके okay, सही आ गया इसके बाद आ, नेक्स्ट वाला जो लेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा एन ए टू एच ए टाइप जैसे एन ए टू एच पीओ फोर तो एन ए टू एचपीओ फोर यहां पर क्या अभी ये जो एच ए नेगेटिव है मतलब यहां पर क्या ए एन ए पॉजिटिव एंड एच ए नेगेटिव ऑब्वियसली एच ए नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस होगा अब एच ए नेगेटिव के दो चीजें हो सकती हैं यार ये एच पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकते हैं हम बोल सकते हैं एम्फोटेरिक है ये ठीक है एच ए नेगेटिव जो है एच ए नेगेटिव एच ए टू नहीं हा एच ए टू नेगेटिव जो है ये क्या है एम्फोटेरिक है मतलब एच एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है तो जब एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये देखो हाइड्रोलिसिस कर रहा है एंड एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है तो एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है तो बनाएगा एच टू ए नेगेटिव प्लस ओ एच नेगेटिव इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा केएच जो कि क्या हो जाएगा केडब्ल्यू अपॉन इसका के अब इसका के होता है केए2 ओके सो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज केएच या केडब्ल्यू अपॉन केए2 इसके साथ-साथ ये एचए2 नेगेटिव जो है ये एच पॉजिटिव डोनेट भी कर सकता है तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये होता है के3

सो रूट ऑफ के टू इंटू के थ्री दैट इज एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड अगर हम यहाँ पर पीएच निकालेंगे तो माइनस लॉग करना पड़ेगा और उस वो आ जाता है पीके ए का एवरेज पी के टू प्लस पीके थ्री डिवाइड बाई टू ठीक है पीएच जो है वो पीके का एवरेज होगा क्लियर है क्या एन टू एच ए टाइप हो गया देन इसका लास्ट टाइप एन एच टू ए टाइप जैसे एन ए एच टू पीओ फोर तो अब यहां पर देखो एन ए पॉजिटिव एक आयन है जिसका ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस नहीं होगा एंड दूसरा एच टू ए नेगेटिव बट एच टू ए नेगेटिव जो है ये भी एम्फोटेरिक है ये भी एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है एंड डोनेट कर सकता है तो जब ये एच टू ए नेगेटिव एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो बना लेगा एच थ्री ए प्लस ओ एच नेगेटिव एंड जब ये एच पॉजिटिव डोनेट करेगा तो बनाएगा एच पॉजिटिव प्लस

तो अब देखो ये फर्स्ट रिएक्शन जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है हो रहा में, तो ना ठीक है तो इसका तो के भी होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी के डब्ल्यू अपॉन इस वाले का के ये वाले का के क्या के वन है ना एस थ्री का के क्या, क्या है के वन सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज के एच एंड दून के वन इसके अलावा एच टू ए नेगेटिव का के क्या है यार एच टू एगेटिव का देखो के क्या है से देखो. का 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 is इस का is तो ये आ गया के तो हमने क्या बताया यार ऐसे केस में एच पोस्टिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इट इज रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ के तो क्या हो गया के वन इंटू के टू हो गया क्या ठीक है दोनों इक्वेशन में जो के आ रहा है वो क्या है एक में के वन है दूसरे में के टू तो इट इज रूट ऑफ के वन इंटू के टू इसके अलावा पीएच क्या आएगा यहां पर पीएच ऑब्वियसली पी के का एवरेज मीन्स पी के वन प्लस पी के टू डिवाइड बाय टू सोए पी के का एवरेज आके डन सो ओके सो इस टाइप से हम ये वीक पॉलीबेसिक एसिड वगैरह का क्या देख सकते हैं उनके सॉल्ट का पीएस देख सकते हैं ओके okay? सो so, होमवर्क नोट कर लो uh, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव सिक्सटी वन टू एटी टू एंड फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव थर्टी फाइव टू फोर्टी सेवन ओके सो ये आज का होमवर्क है So if noted, can we leave? Yeah, sure. Bye, sir. Okay, bye.